ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। अगर मैं तुम सभी से ये बोलूं कि आज इस वीडियो पर तुम लोग वन टैप की हर छोटी से छोटी चीज को सीखने वाले, और इस वीडियो की सबसे खास बात तो यह है कि इस पर तुम लोग हैंडकैम के साथ सीखोगे। अगर सिंपली समझो तो इस पर तुम लोग यह सीखने वाले हो कि किस सिचुएशन पर किस तरह से ड्रैग करना चाहिए, और हैंडकैम के कुछ क्लिप्स होने से तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में भी आएगी। तो सबसे पहले कुछ डाउट्स को क्लियर कर लो। अच्छा एटीट्यूड भाई, सबसे पहले ये बताओ ना कि ये ट्रिक किस किस गन पर वर्क करेगी। देखो अभी तक तुमने जितने भी वन टैप के गन्स यूज किए हैं, चाहे वो डिजर्ट ईगल हो, एसकेएस हो या फिर M1887, सभी पर ये ट्रिक बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी। ये ट्रिक तीनों रेंज पर वर्क करेगी, शॉर्ट रेंज, मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज तीनों पर। देखो वन टैप मारने के लिए तुम्हें सेटिंग्स, जितने भी वन टैप के सेटिंग्स होती है वो तुम्हें हेल्प करती है, लेकिन इससे भी ज्यादा तुम्हें हेल्प करता है तुम्हारा डिवाइस। जितना ज्यादा अच्छा डिवाइस होगा उतने ही चांसेस होंगे तुम्हारे वन टैप लगने, क्योंकि हाई एंड डिवाइस में सेंसिटिविटी हाई होने के कारण हल्के से ड्रैग करने पर भी हेडशॉट लगते हैं। भाई मुंह की बात छील ली। देखो अभी से कुछ दिन पहले ही मैं अपने फायर बटन का साइज 55% पर खेलता था, लेकिन इस वीडियो पर तुम लोग जितने भी क्लिप्स देख रहे हो इसको मैंने 50 फायर बटन साइज पर रिकॉर्ड किया। तुम्हें जो भी बेस्ट लगे तुम लोग यूज कर सकते हो। देखो तुम लोग किसी भी बंदे को जब वन टैप मारते हो तो वो क्या होता है कि तीन पोजीशन पर होता है, पहला लेफ्ट साइड, दूसरा बिल्कुल तुम्हारे सीधे एंड तीसरा तुम्हारे राइट साइड पर, और तीनों पोजीशन पर तुम्हें दो दो सिचुएशंस मिलते हैं। कैसा? एग्जाम्पल के लिए जब बंदा लेफ्ट साइड पर होता है तो वो दो सिचुएशंस पर होगा। तो बात करते हैं पहले सिचुएशन की। जब एनिमी तुम्हारे लेफ्ट साइड पर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा तो यहाँ पर तुम्हें करना होता है रोटेशन ड्रैग। ऐसा इसलिए, देखो तुम्हारा एम क्या होता है, बंदे के इस साइड पर होता है और बंदे तुम्हारे लेफ्ट साइड पर होता है, तो तुम्हें हेडशॉट मारने के लिए बंदे पर एम कनेक्ट करना होगा और बंदा कहाँ है, लेफ्ट साइड। और यही कारण है कि जब तुम लोग रोटेशन ड्रैग करो तो लेफ्ट के साइड पर तुम्हें इस तरह से रोटेशन ड्रैग करना है। और मान लो तुम लोग गलती से क्या करते हो, बंदे लेफ्ट साइड पर स्ट्रेट खड़े होते हैं लेकिन फिर भी तुम लोग स्ट्रेट ड्रैग करने की कोशिश करते हो, तो या तो तुम्हारा एम बंदे के बॉडी से ऊपर चला जाए और बंदे को जरा सा भी डैमेज नहीं लगेगा, या फिर दूसरा बंदे को अगर डैमेज लगे भी तो उसे बॉडी शॉट ही लगेंगे। जादूगर है। यहीं पर तुम्हें दूसरा सिचुएशन देखने को ये मिलता है कि बंदे लेफ्ट के साइड पर रन करते हुए होते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना कि इसमें भी तुम लोग रोटेशन ड्रैग ही कर दो। यहाँ पर रोटेशन ड्रैग वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर बंदा स्ट्रेट खड़ा नहीं है बल्कि रन कर रहा है। तू समझा? हाँ। तो ऐसे में तुम्हें क्या करना है, फायर बटन के बिल्कुल मिडिल पर क्लिक करने के बाद तुम्हें हल्का सा ऊपर एंड बंदे के साइड पर ही ड्रैग करना है, लेकिन तुम लोग ओवर ड्रैग नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा एम बंदे के बॉडी से भी ऊपर चला जाए। एक बार तुम लोग इसी चीज को हैंडकैम के साथ समझो। देखो यहाँ पर क्या है, बंदा मेरे लेफ्ट साइड पर स्ट्रेट खड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने एम को एडजस्ट करने के बाद अपने फायर बटन को रोटेट करके ड्रैग करूंगा बंदे के साइड पर, यानी कि राइट टू लेफ्ट के ओर। वही तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि बंदा क्या कर रहा है, रन कर रहा है राइट टू लेफ्ट की। तो तुम लोग भी मेरे फिंगर को ध्यान से देखो, मैंने भी सेम चीज किया, यानी कि राइट टू लेफ्ट की ओर अपने फायर बटन को ड्रैग किया कुछ इस तरह से। पोजीशन नंबर टू, जब एनिमी तुम्हारे राइट साइड पर होता है, सेम यहाँ पर भी तुम्हें दो सिचुएशंस मिलते हैं। तो देखो सिचुएशन नंबर वन, जब एनिमी स्ट्रेट खड़ा हो, तो ऐसे में भी तुम्हें सेम ट्रिक्स का ही यूज करना है। देखो अब क्या है, एनिमी राइट पर तो है और मेरा एम क्या है, लेफ्ट के साइड पर, तो मुझे वन टैप मारने के लिए अपने एम को बंदे पर कनेक्ट करना होगा। और बंदा कहाँ है, बंदा है मेरे राइट साइड, तो मुझे अपने फायर बटन को भी रोटेट करना है राइट के साइड पर कुछ इस तरह से। क्या सोच है रे तेरी? जैसा कि यहाँ तुम लोग हैंडकैम में देख सकते हो, यहाँ पर बंदा मेरे राइट साइड पर है एंड स्ट्रेट खड़ा है। तो तुम लोग मेरे फिंगर को ध्यान से देखो, मैं किस तरह से रोटेट करके फायर बटन को ड्रैग कर रहा हूँ, तुम्हें भी ठीक इसी तरह से रोटेशन ड्रैग का यूज करना है। ओके। इसी पर सिचुएशन नंबर टू है, जब एनिमी राइट के साइड पर रन कर रहा है, ऐसे में तुम्हें अपने फायर बटन के मिडिल पर प्रेस करने के बाद ठीक उसी तरह से बंदे के साइड पर ही ड्रैग करना है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में तुम्हें रोटेशन ड्रैग का यूज नहीं करना है। एक बार तुम लोग हैंडकैम से भी समझ लो, यहाँ एनिमी राइट के ओर रन कर रहा है, तो मैंने भी अपने फायर बटन को उसी वे पर बिना रोटेशन के ड्रैग किया, पर ऐसा सेम तुम्हें भी करना है, तभी जाके हेडशॉट्स लगेंगे।
देखो भाई लोग, तुम सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस बात को जरूर मान लेना। देखो डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक मिलेगी तुम्हें फेसबुक पेज की, प्लीज रिक्वेस्ट है जाके सभी के सभी फॉलो कर लो। देखो बस फॉलो ही तो करना है, तो फिर सोच क्या रहो, जल्दी से जाओ और फॉलो करके आ जाओ। एंड अब बात आती है पोजीशन नंबर 3, जब एनिमी स्ट्रेट। इसमें भी तुम्हें दो सिचुएशंस मिलते हैं, जब एनिमी तुम्हारे स्ट्रेट पर बिल्कुल सीधा खड़ा। देखो कोई भी एनिमी खड़ा तब होता है जब वो फायरिंग करता है, तभी वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है, ऐसे में तुम्हें उसी का वेट करना है। तो इस पर तुम्हें सिंपली क्या करना है, फायर बटन के बिल्कुल नीचे पर, देखो नीचे पर इसलिए क्योंकि इससे तुम्हें ड्रैग स्पेस ज्यादा मिलता है, तो फायर बटन के बिल्कुल नीचे पर क्लिक करने के बाद सिंपली तुम्हें स्ट्रेट ड्रैग करना बिल्कुल सीधा, कुछ इस तरह से। देखो यहाँ एनिमी स्ट्रेट खड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल सीधा अपने फायर बटन को ऊपर की ओर खींचता और ओनली रेड नंबर्स ही लगते हैं, जो कि तुम लोग हैंडकैम पर देख ही पा रहे हो। ऐसे इसमें सिचुएशन नंबर 2 भी आता है, जब एनिमी तुम्हारे स्ट्रेट पर रन कर रहा हो, या तो आ रहा हो या फिर जा रहा हो, तो इस पर भी तुम अपने फायर बटन को स्ट्रेट ड्रैग ही करना है। देखो तुम लोग इस हैंडकैम से समझो, यहाँ पर एनिमी मेरे बिल्कुल सीधे पर है, और इसीलिए मैंने अपने फायर बटन को बिल्कुल स्ट्रेट ड्रैग किया और आसानी से हेडशॉट भी लग गए। देखो फ्री फायर पर हेडशॉट मारने के लिए बस ये 6 ड्रैग टेक्निक ही होती है। देखो वन टैप के प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें क्या करना है, 2 गन्स को लेना, एक डिजर्ट गन ले लो एंड एक शॉट गन ले लो। लेकिन सबसे पहले तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड पर नहीं आना है, बल्कि यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर तुम लोग 1 से 2 दिन प्रैक्टिस करो, जब तुम्हारे अच्छे खासे हेडशॉट लगने लगे तब तुम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाने के बाद आगे की प्रैक्टिस कर सकते हो।